हेलो दोस्तों, मैं हूँ सोमनाथ और आप सबका स्वागत करता हूँ मेरा चैनल गार्डन नॉलेज में। दोस्तों आज मैं आपको 10 ऐसे हैक दिखाऊंगा जो आप इस वक्त यानी कि मॉनसून के वक्त आप अपने गार्डन में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप में से कोई भी मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए और पास मेरा बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे दिए हुए हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। और अगर आज की इस वीडियो से आपको कुछ भी जानने या सीखने को मिला तो एक लाइक करके जरूर जाइएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला काम है दोस्तों, हम लोग हमारे गार्डन की पॉट के नीचे जो ये प्लेट लगाते हैं इनको हमें हटा देना होगा, क्योंकि दोस्तों बारिश के वक्त पानी इसके अंदर जम जाता है और पानी जम जाने की वजह से हमारे पॉट की मिट्टी सूखता नहीं है। हमेशा इसके अंदर मॉइस्चर बने रहने के कारण हमारे प्लांट की जो जड़ है वो सड़ सकता है या फिर गल सकता है, जिससे हमारा प्लांट ख़राब हो सकता है। इसीलिए हमें इन पॉट के नीचे से पहले तो इन प्लेटों को हटाना होगा। दूसरा काम है दोस्तों, हमारे पॉट के अंदर जो ये घास फूस वगैरह उगता है इनको हमें पहले तो बाहर निकाल देना होगा, क्योंकि बारिश के पानी गिरने से ये बहुत तेज़ी से ग्रो होता है। साथ ही हमारे दिए हुए फर्टिलाइज़र हमारे प्लांटों की काम में आने से पहले ही ये उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से ग्रो होता है, इसलिए हमें पहले तो इनको हटाना होगा। दोस्तों तीसरा है मिट्टी के ऊपर काई जम जाना। दोस्तों मेरे किसी भी प्लांट की पॉट पे इस तरह का काई जमा नहीं है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। दोस्तों देखिए, इस पर आपको काई कहीं भी दिखाई नहीं देगा। दोस्तों ये वाला जो मेरा पॉट है ये मेरे गार्डन के कोने में पड़ा रहता है, तो इसीलिए इस पर मैं किसी भी तरह का ट्रीटमेंट नहीं करता हूँ, इसीलिए इस पर काई जम चुका है। तो दोस्तों ये वाला बारिश के वक्त ये जो काई है ये जमता है, कईयों की टॉप में ये मुश्किल होता ही है। दोस्तों ये एक तरह का फंगस है, तो इसे हमें इस तरह से निकाल देना होगा ऊपर से लेकर, इसे हमें इसके अंदर रखना नहीं है। और इसको निकाल देने के बाद आप इस पर हल्दी दे सकते हैं या फिर आप महीने में एक बार इस पर किसी भी तरह का अच्छा सा फंगिसाइड, ड्राई फंगिसाइड इसके ऊपर फैला सकते हैं, जिससे इस तरह के काई आपके पॉट में नहीं जमेगा। चौथा, आप इस वक्त उन प्लांटों की कटिंग लगा सकते हैं जो कटिंग से आराम से ग्रो हो जाता है। दोस्तों आप उनकी निचले हिस्से को अच्छे से घिस लीजिए, उसके बाद उसके ऊपर आप रूटिंग हार्मोन या फिर एलोवेरा का जेल लगा सकते हैं। कुछ ही दिनों के अंदर ही अंदर ये आराम से ग्रो हो जाएंगे, लगभग 10 से 15 दिनों के अंदर ही अंदर आपको इसमें ग्रोथ नज़र आ जाएगा। अच्छा है दोस्तों, मानसून के वक्त हमारे गार्डन की हर एक परमानेंट प्लांट की ग्रोथ ज़्यादा होता है, तो इसका फ़ायदा उठाकर आप अपने हर एक परमानेंट प्लांट को पहले से ज़्यादा घना और बूसी बना सकते हैं। इसके लिए आपको अपने हर एक परमानेंट प्लांट को थोड़ा सा सॉफ्ट प्रूनिंग करना होगा। आप चाहे तो इस वक्त अपने गुलाब के प्लांटों में भी आप सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं, जिससे आपके गुलाब के प्लांट और भी ज़्यादा घना और बूसी हो जाएगा। बरसात के वक्त आप गुलाब के प्लांट को अगर सॉफ्ट प्रूनिंग दे रहे हैं तो थोड़ा सा शेड एरिया में रखिए जहाँ पर इस पर पानी ना गिरे। अगला काम है दोस्तों, बीजों को जर्मिनेट करने देना। दोस्तों बरसात के वक्त नमी बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए बीज बहुत ही आसानी से जर्मिनेट हो जाते हैं, तो आप इस वक्त आने वाले सर्दियों के लिए कुछ प्लांट अभी से ही जर्मिनेट कर सकते हैं। सातवां काम है दोस्तों, आप अपने गार्डन से जो घास फूस निकाल कर फेंक देते हैं उनको फेंकिएगा मत दोस्तों, उनको रख दीजिए। आप इसी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपोस्ट खाद बनाकर अपने प्लांटों को दे सकते हैं, जो आपके प्लांटों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। आठवां काम है दोस्तों, रिपोर्टिंग। आपके जितने भी प्लांटों की रूट बाउंस हो चुका है, बहुत ज़्यादा रूट हो चुका है जिससे आप उनको पॉट से निकाल नहीं सकते हैं, तो आप उनको इस वक्त रिपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि बरसात के वक्त नमी ज़्यादा होने के कारण आप लोग अगर इनको इस वक्त रिपोर्टिंग करेंगे तो ये बहुत ही अच्छी तरह से सर्वाइव कर जाएगा। इसके लिए आप इनके लगभग 20 से 30% रूट को काट कर फेंक दीजिए और नए सॉइल मिक्सर बनाकर इनको नए पॉट में दे दीजिए। देखिएगा कि बरसात के अंदर ही आपके प्लांट एकदम पूरा हरा भरा हो चुका है, पूरा एकदम घना हो चुका है।
नौवा काम है दोस्तों हमारे प्लांटों में फर्टिलाइज़र देना। दोस्तों बरसात के वक्त हमारे प्लांटों की जो हेल्थ है, जो ग्रोथ है, वो तो इंक्रीज़ होता है, लेकिन इसकी जो फ्लावर प्रोड्यूस करने की क्षमता है वो घट जाता है। तो इसको बरकरार रखने के लिए आप इसको दे सकते हैं ऑर्गेनिक तरीके से तैयार किया हुआ मिक्स्ड फर्टिलाइज़र। आप इसे अपने घर में ही तैयार कर सकते हैं। मैं उसी फर्टिलाइज़र को देता हूँ। इससे पहले मैं इस पर मेरे चैनल में अपडेट दे चुका हूँ, आप चाहे तो उसे देख सकते। इस तरह की फर्टिलाइजर देने से आपके प्लांट की हेल्थ ग्रोथ के साथ ही साथ इसकी फ्लावर प्रोड्यूस करने की जो क्षमता है वो भी बरकरार रहेगा। दोस्तों बरसात आने के साथ ही हमारे गार्डन में स्नेल्स की हमला बढ़ जाता है। स्नेल्स आकर हमारे प्लांटों की जो नए पत्तियां होता है उसे ही खा लेते हैं। तो दोस्तों स्नेल्स से आप अपने प्लांटों को बचाने के लिए नमक लीजिए। 1 लीटर पानी में 1 टेबलस्पून नमक लेकर आप अपने हर एक पॉट की इर्द गिर्द स्प्रे कर लीजिए। इससे स्नेल मरेगा नहीं बल्कि भाग जाएंगे, आपके पॉट के आसपास नहीं आएंगे। साथ ही इस वक्त आप लोग जो सीडलिंग तैयार कर रहे हैं उनको भी स्नेल्स टारगेट करते हैं, क्योंकि उन्हें वो बहुत ही पसंद होता है। तो इसीलिए जब भी आप सीडलिंग तैयार करें तो उस पॉट के आसपास से आप नमक के पानी का छिड़काव कर दीजिएगा, जिससे स्नेल्स नहीं आएंगे। सभी हैकों को आप इस वक्त अपने गार्डन में इस्तेमाल कीजिए और अपने गार्डन को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाइए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम फिर दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिएगा दोस्तों गार्डन वाले एसडी के बाकी वीडियोस को। चलता हूँ दोस्तों।